और उनके सरकार उनके खिलाफ हो गई जो कि रवीना टंडन है, और अधीरा यानी कि संजय दत्त भी उनके खिलाफ है, और उनके नए नए दुश्मन पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके हैं। और कैसे रॉकी भाई एक एक देते हैं, इसके ऊपर पूरी कहानी है। सो ओवरऑल प्लॉट इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा मुझे लगा था कि केजीएफ के सक्सेस के बाद कितना मुश्किल होगा उस सक्सेस को रेप्लिकेट करना, उस प्लॉट को, उस मैग्नम ओपस को रेप्लिकेट करना। लेकिन सच बात यह है कि केजीएफ के सक्सेस को रेप्लिकेट करना तो छोड़िए, उससे भी बहुत बेहतर पिक्चर बना के दी गई है। प्लॉट इंटरेस्टिंग है, सब प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आपने केजीएफ 1 में देखा था आपको उसी का बेटर और ज्यादा विकसित रूप केजीएफ 2 में देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द प्लॉट। बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि कुछ भी बोलूंगा स्पॉइलर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस फिल्म में कोई स्पॉइलर झेले, बिकॉज वो थिएटर पर देखने का, चिल्लाने का, सीटी बजाने का वो एक्सपीरियंस ही अलग है बच्चों। मैच देखने तुम जान नहीं पा रहे, सारे मैच तो मुंबई में हो रहे, फाइनल हो रहे अहमदाबाद में, हम सारे बाकी लोग बैठे रह गए, हमारे पास की थोड़ी, हम तो वही 11 रुपये का सट्टा खेलने वही बहुत है। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म। भाई साहब मैं बहुत टाइम बाद एक ऐसी फिल्म देख कर रहा हूँ जिसमें सबकी परफॉर्मेंस एक समान हो। इससे पहले जो ऐसी मैंने फिल्म देखी थी वो थी हाउसफुल 4, जहाँ पर सबकी परफॉर्मेंस एक बराबर की टट्टी थी, लेकिन यहाँ पर सबकी परफॉर्मेंस एक बराबर की A1 है। चाहे वो रॉकिंग स्टार यश हो, रवीना टंडन हो, संजय दत्त हो, प्रकाश राज हो, एक एक कैरेक्टर ने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड दैट आई थिंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट। बिकॉज जब आप इतनी बड़ी स्टार कास्ट देते हैं तो ये डर तो लगा रहता है कि भाई कोई ना कोई तो ये सोच के आएगा कि भाई साहब मैं तो जाके हग्गू करूंगा, मेरे को मेरी पेमेंट मिल गई अंडी मंडी शंडी अब परफॉर्मेंस की। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी कैरेक्टर, एवरी एक्टर, चाहे वो इवन जूनियर आर्टिस्ट हो, सबने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, एंड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर फॉर बीइंग एबल टू डू दैट। पॉइंट नंबर 3, द एक्शन ऑफ द फिल्म। भाई साहब फिल्म का एक्शन बिल्कुल राखी सावंत की तरह है, पहले जितना बढ़िया था अब उससे और बढ़िया एंटरटेनिंग हो गई है। मतलब केजीएफ 1 का अगर आपने एक्शन देखा है तो यू वुड नो कि भैया इस फिल्म के एक्शन से लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन थी, और मैं तो ये तैयार हो गया था कि शायद मुझे डिसअपॉइंट कर दिया जाए, लेकिन उससे भी बढ़िया काम करा गया। लाइक आई सेड दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बेटर देन केजीएफ, व्हिच आई थिंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सो मैं ज्यादा बोलूंगा एक्शन के बारे में, बिकॉज आप लोग जाइए मैग्नम ओपस पे देखिए, वेट मत करिए कि OTT पे आएगी फिर देखिए, वो मजा नहीं रहेगा। और अगर तो तुम टेलीग्राम पे देख रहे हो तो जूता चप्पल तुम्हारे पड़ेगी, टेलीग्राम पे देखेंगे। देखे थे मेरे लौंडे वहां पिक्चर देखने यहाँ बैठ के, वो पिक्चर खुद बना रहे। मैंने कहा वाह, 400 रुपए देके आया पिक्चर देखने और देख रहा मोबाइल से, टेलीग्राम पे देख लेते। पॉइंट नंबर 4, द सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म। यार मैं ये पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तानी सिनेमा उस मुकाम पर आ चुका है कि जहाँ अगर कंटेंट टट्टी का टट्टी हो बट स्टिल टेक्निकली फिल्म्स बहुत साउंड होती हैं, और यहाँ तो भाई साहब कंटेंट भी अच्छा है और टेक्निकली भी फिल्म बहुत साउंड है। सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म इज A1। एक एक फ्रेम आपको पेंटिंग की तरह लगता है, एक एक फ्रेम इज वेरी वेल लिट, एक एक फ्रेम इज वेरी वेल कंपोज। इनफैक्ट जो फिल्म की ओवरऑल लुक एंड फील इतनी ग्रैंड लगती है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। भुवन गौड़ा ने फिल्म को शूट करा, एंड ऑल आई कैन से इज कि भाई साहब भुवन भाई आपने तो बिल्कुल बेहतरीन काम करा है, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर वर्क। पॉइंट नंबर 5, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। भाई साहब अगर आप लोगों ने KGF 1 देखी तो आपको मालूम म्यूजिक बहुत अच्छा है, अगर आपने KGF 1 नहीं भी देखी है आपने KGF की म्यूजिक, बहुत सारी बैकग्राउंड म्यूजिक्स और बहुत सारी थीम म्यूजिक्स इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर, MX पर, यहाँ वहाँ जरूर देखें लोगों की रील में लगाते हुए, यहाँ भी म्यूजिक एकदम अच्छा है। वो सारे थीम्स पुरानी यूज करी गई हैं, कुछ नए नए गाने भी निकाले गए, कुछ नए नए थीम म्यूजिक भी निकाली गई हैं। सो म्यूजिक मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी, बट द ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म वाज दैट द म्यूजिक वाज टू लाउड। मतलब मिक्सिंग उसकी ऐसी थी कि पूरे समय म्यूजिक बज रहा है, इनफैक्ट समटाइम्स इवन द डायलॉग्स आर नॉट ऑडिबल कि म्यूजिक इतना लाउड है। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। अगर म्यूजिक को थोड़ा सा कम करा जा सकता था, कहीं कहीं पर म्यूजिक बंद करी जा सकती थी ताकि कम से कम डायलॉग तो सुनने में आए। बहुत जगह ऐसा हुआ ऑनेस्टली बच्चों कि मुझे डायलॉग ही समझ में आया बोला क्या, बाकी तो फिर अब मैं क्या बताऊं। लेकिन यह है कि मैंने कहा ठीक है कुछ तो बोला है,
But anyway, guys, my overall rating for this film will be 4.5 stars out of 5. Like I said, it is very easy to fall into a sequel trap. और ये हमने बहुत बार देखा है कि जब एक फिल्म बहुत अच्छी हो तो दूसरी फिल्म उसके मुकाबले एकदम कूड़ा टट्टी आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. I think they have broken the spell and finally have created a sequel that is much much better and more enhanced than the actual film. So my overall review will be कि आप लोग जरूर जाइए KGF Chapter 2 देखने के लिए. अगर आप लोग को टिकट मिल जाते हैं, ऑनलाइन पॉनलाइन का इंतजार मत करना. ये एक ऐसी फिल्म है जो आप थिएटर पर जाके एक्सपीरियंस करें, तभी मजा आएगा. बाकी मैं हूँ बच्चों, थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पे जाने वाला हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग सम सेटअप इन द हाउस एटसेट्रा एटसेट्रा. और मैं आपको मिलूंगा उस पार, ब्लॉग्स वगैरह भी वापस चालू करेंगे. बट टिल देन, अगर आप लोग को लगता है वर्थ है तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं लगता तो भाई कोई बात नहीं, क्या बोल सकते हैं, बंद करेंगे. मैं छुट्टी काम धंधा को देंगे नौकरी.